वेलकम बैक टू अनदर मेडिकल लीव अप्लाई वीडियो ब्रो। अभी के इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि अगर तुम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो तुम लोग को मैं बता रहा था मेडिकल लीव के बारे में। ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि मेडिकल लीव का एक रूल है कि मेडिकल लीव अप्रूव्ड कब होगा, जब तुम लोग 3 दिन के लिए, मतलब 3 दिन के लिए एबसेंट रहोगे, उसके बाद मेडिकल लीव अप्रूव्ड कर सकते हो। नंबर वन बात ये। नंबर टू बात कि मेडिकल लीव तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 डेज के लिए लगा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। अगर तुम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और तुम लोग को मेडिकल लीव अप्लाई करनी नहीं आती है, तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को यही बताऊंगा कि हाउ टू अप्लाई मेडिकल लीव इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर CUIMS कह लो। ठीक है, CUIMS पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसके थ्रू तुम लोग मेडिकल लीव अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल लीव अप्रूव्ड कैसे होता है, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम लोग का जो मेडिकल लीव होगा वो अप्रूव्ड होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पे और मैं तुम लोग को सिखाता हूँ कैसे मेडिकल लीव अप्रूव्ड करना है। हाँ, बट मेडिकल लीव अप्रूव करने से पहले तुम लोगों को डॉक्टर के मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा दिखाने के लिए कॉलेज में, प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ भैया हम मेडिकल लीव पे दे, मेरे को जो एबसेंट लगी है उसको प्रेजेंट करो। ठीक है, कॉलेज की तरफ से एक बहुत ही अच्छा मतलब प्रोवाइड किया गया है कि हाँ तुम लोग मेडिकल लीव अप्लाई करके अपने जो एबसेंट है उसको प्रेजेंट कर सकते हो। स्टूडेंट क्या करो कि फटाफट जल्दी से, अगर तुम लोग चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो फ्यूचर के वीडियो के लिए, क्योंकि स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होती है जो कि तुम लोग को आने वाली वीडियो में और फिर के फ्यूचर में भी काम आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और मैं तुम लोग को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे ले जाता हूँ जिसका नाम है CUIMS। तो देखो यहाँ पे तुम लोग को मैं बता दूं कि जब तुम लोग अपना CUIMS ओपन कर लोगे, क्योंकि मेडिकल लीव अप्लाई होगा तो CUIMS पे ही होगा, साइड में सबसे पहले तुम लोग मेरा प्रूफ देख लो, क्योंकि मैंने भी मेडिकल लीव लगाई है। ठीक है, 7 डेज का और मेरा 7 डेज अप्रूव्ड हो गया। ठीक है, 3 दिन के बाद ही मेडिकल लीव लगता है, ये ध्यान रखना, और 10 दिन तक ही लगता है, 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। मेडिकल लीव के लिए तुम लोग को एक फॉर्म फिलअप करना होगा, उस पर सिग्नेचर चाहिए होगा, तुम लोग कितना दिन से कितना दिन प्रेजेंट एबसेंट रहोगे, तुम लोग का हाथ टूट गया या फिर जो भी हो गया, मेडिकल लीव में वो सब कुछ होना चाहिए, जो कि तुम लोग साइड में देख पा रहे हो, PDF में लगा दिया हूँ। अगर तुम लोग इसी तरह का और भी PPT वगैरह चाहते हो, माइनर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तुम लोग का रिसर्च पेपर से रिलेटेड, काफ़ी सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने WhatsApp चैनल पे और Telegram चैनल पे, जो कि तुम लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी जाओ वहाँ पे तुम लोग फॉलो कर लो। अब चलते हैं अपने CUIMS पे। तो आ चुके हम लोग अपने CUIMS पे। यहाँ पे तुम लोग को एक दिखेगा साइड में लेफ्ट साइड एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स पे क्लिक करने के बाद तुम लोग यहाँ पे आ जाना स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन पे। स्टूडेंट लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई लीव दिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे तुम लोग को दिखेगा स्टूडेंट लीव अप्लाई और एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट, इस पर क्लिक कर देना। सिंपल सा, पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी ड्यूटी लीव कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि ड्यूटी लीव 1 दिन का ही मिलता है, वो भी 1 दिन पहले लगता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैंने तुम लोग को पिछली वीडियो में बता दिया था, तो जाकर के चेकआउट उसको जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। अब फिलहाल चलते हैं मेडिकल लीव पे। देखो ऑप्शन मिल जाएगा तुम लोग को मेडिकल लीव का, इस पर तुम लोग शांति से क्लिक कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर रुक जाना, रिफ्रेश होगा और एक पॉपअप विंडो तुम लोग का खुल जाएगा। ठीक है, बहुत मस्त है, एक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि किसी बच्चा का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया या फिर हाथ टूट गया या फिर कोई छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, बट हो गया तो तुम लोग ऐसा करके अपना अटेंडेंस लगा सकते हो और तुम लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आ जाना। ठीक है, देखो तुम लोग को यहाँ पे एक पॉपअप खुल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल करके तुम लोग नीचे आ जाना स्टूडेंट, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे दिखेगा अप्लाइंग फ्रॉम डेट फॉर अप्लाइंग टू डेट, मतलब कि आज अगर तुम लोग को मेडिकल लीव चाहिए तो कितने तारीख से स्टार्ट हुआ है तुम्हारा एब्सेंट और कितने तारीख तक तुम लोग गए हो। याद है ना, वो हम लोग स्कूल में एक लीव एप्लीकेशन लिखते थे कि सफरिंग फ्रॉम फीवर इतना से इतना और साइन योर मोस्ट ऑबिडेंट स्टूडेंट करके। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ, हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस रहेगी, तो तुम लोग अपना डेट मार देना और जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करो। 4 से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। देखो 10/4/2023 नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जब तुम फ्यूचर वाला, जैसे कि तुम एक बात समझो, यहाँ से आज है 4 तारीख 4 अक्टूबर, अगर मैं 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक कॉलेज नहीं गया, ठीक है, तभी मैं 11 तारीख को मेडिकल लगा सकता हूँ।
पहले ही चाहूंगा कि मैं 4 तारीख को मेडिकल लगा दूं 10 तारीख तक, तो नहीं होगा भैया। पहले नहीं बाद में मेडिकल लीव लगाया जाता है, तो ध्यान रखना इस बात को। रुको मैंने लगाई है, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा हिस्ट्री। अभी तो यहाँ पे आप लोग को कैसे लगाना मैंने बता दिया। प्रोसीड पे क्लिक करोगे, ऑप्शन देखना प्रोसीड पे, तो आ जाएगा तुम लोग को एक PDF अपलोड करने के लिए। प्रूफ क्या है कि तुम लोग मेडिकल लीव इतना दिन, जो 10 दिन छुट्टी मारो, 7 डेज मारो, 3 दिन मारो, कैसे, हाउ, प्रूफ क्या है भैया? तो प्रूफ लगाने के लिए तुम लोग साइड में देख पा रहे होगे मेरा प्रूफ, ठीक है, इस टाइप से। अगर तुम लोग को ये फॉर्म चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में मैंने फॉर्म डाल दिया है, जाकर के वहां से डाउनलोड कर लेना, चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन। चल तो मैं तुम लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स और मेडिकल लीव हिस्ट्री, हिस्ट्री रहता है भाई, तो इस पर क्लिक कर देना। देखो 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023, और देखो रीजन क्या है, हाई फीवर एंड कफ। देखो ये मतलब उस फॉर्म पे रहना चाहिए, डॉक्टर के साइन रहना चाहिए, स्टैंप रहना चाहिए, तभी मेडिकल अप्रूव्ड होगा, नहीं तो इससे नहीं होगा। और देखो एंट्री डेट कब है, 26 सितंबर 2023 का, मेडिकल लीव इज अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूव्ड मेडिकल लीव मैंने लगाया। तो 5 दिन का कब लगाया मैंने, 22 तारीख के बाद का मेडिकल लीव अप्लाई किया, मतलब 22 तारीख के बाद अप्लाई किया। कितने से कितने किया, 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023। आई होप कि तुमको समझ में आ रहा होगा। प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं, और शेयर जरूर कर देना अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं पता है उनको ड्यूटी लीव मेडिकल लीव लगाने नहीं आता है, वो लोग अपने दोस्त लोग से लगवाते हैं, तो मैं चाहता कि तुम अपने दोस्त से लगवाओ, क्योंकि दोस्त एक दो दिन टाइम बीत जाता है और इसमें तुम लोग का हो जाता है वो डैश, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो देख सकते हो सब कुछ मैं तुम लोग को दिखा दिया हूं। हाँ, मेडिकल लीव अप्लाई करते समय एक और बात जो कि तुम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि जब तुम लोग क्लास में प्रेजेंट नहीं रहो तो अपने क्लास CR को या फिर अपने क्लास मेंटर को जरूर बता देना कि सर आई एम ऑन मेडिकल लीव, कि मैं मेडिकल लीव पे हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग का दोस्त प्रॉक्सी लगा देगा पीछे से, अगर तुम लोग अटेंडेंस बोल देगा तो तुम लोग की बांस हो जाएगी, सच बता रहा हूँ, मेरे साथ हुआ हुआ है दोस्तों। मेरे दोस्त लोगों ने मेरा प्रेजेंट लगा दिया था, मेरा मेडिकल लीव लगने में काफ़ी दिक्कत हुआ, मैंने दूसरा बार मेडिकल लगाया तब जाकर के अप्रूव्ड हुआ, फर्स्ट बार का 7 डेज मेरा घॉप हो गया और उसका अटेंडेंस भी नहीं मिला, जिसके कारण मेरा अटेंडेंस पूरा लूज चल रहा है। तो ये सब गलती मत करना, अपने सारे दोस्त को बता देना कि भाई मेरा अटेंडेंस तुम लोग कोई नहीं लगाना, मैं मेडिकल लीव पे हूँ। अगर तुम लोग नहीं बोलोगे, नहीं एक्टिव रहोगे, तो तुम लोग का मेडिकल लीव अप्रूव्ड नहीं होगा, और रेक्टिफिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो रेक्टिफिकेशन का रूल भी नया आ गया है कि 3 दिन से अगर तुम लोग बाद में जाओगे, लेट करोगे, तो तुम लोग का मेडिकल भी अप्लाई नहीं होगा। ज्यादा जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट मारना, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाना, वहाँ पे मैं सब कुछ तुम लोग को PDF में बता दिया करूंगा। कैसा लगा तुम लोग को ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को पसंद आया होगा, तुम लोग को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तुम लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो मिलते हैं कौन धमाकेदार वीडियो में, और स्टूडेंट रिलेटेड हेल्प कंटेंट आने वाले फ्यूचर में तुम लोग को जरूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।